Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. ब्रह्मपुरी में होली के दिन गायब हुई 3 साल की उर्वी का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। सारे कैमरे खंगाल लिए गए हैं, आसपास के लोगों से पूछताछ की गई है। इतना ही नहीं, नाले में गिरने के शक के चलते बुलडोजर से नाले की तलाशी भी ली गई, लेकिन बच्ची कहीं नहीं मिली। शहर में 2 महीने के अंदर बच्चियों के अपहरण की ये चौथी घटना है। बता दें, होली के दिन रात 8 बजे ललित की 3 साल की बेटी उर्वी घर के सामने खेलते खेलते अचानक लापता हो गई। बच्ची के पिता ने अपने साले संजय पर शक जताया है। पुलिस उससे भी पूछताछ कर रही है। सुनिए पीड़ित बाप ललित से मिली जानकारी। जी सर, मेरा साला है, वो बदमाशी में रहता है, मुझे सिर्फ उस पर शक है, बस। संजय नाम है उसका। कहाँ के रहने वाले? सदर के, तेली मोहल्ला के। किस टाइम से बच्ची गायब है? सर 2.5-3 घंटे हो गए कम से कम। साले पे शक होने का क्या कारण है? उससे मेरी आखिरी बात हुई थी, वो यूं कह रहा था हल्के में मत लेना मुझे, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, सब है। बच्ची के बारे में तो कोई विवाद चल रहा है आप लोगों का? विवाद कुछ नहीं है, मेरी घरवाली से कोई लड़ाई है, वो फोन कर देता बस, उसके दिमाग में पता नहीं क्या कीड़ा उड़ जाता, जब लड़ाई हो जाती है। हमारी कभी लड़ाई नहीं होती, सर साल से बस फोन आता, जब तुरंत लड़ाई हो जाती है, पता नहीं क्या बात है। वैसे किसी का ही फोन आता, कभी लड़ाई नहीं होती हमारी। आपकी बच्ची किस तरीके से गायब हुई आपके पास थी वो? सर 5 मिनट में ही गायब हो गई, बस मैंने जूस दिया, 1 सेकंड में पता ही नहीं चला कुछ भी। क्या टाइम था? सर 7:15-8 बज रहे थे। 7:15 के आसपास? हाँ, मतलब 7:15 या 7:20 होंगे। हद से आपके पास कोई खड़ा हुआ था वहाँ उस टाइम? वहाँ भाई आ रहे थे, हम भी ग्राहक भी आ रहे थे, हम भी थे, सब परिवार के लोग भी थे, ऐसी बात नहीं है वहाँ। तो अभी आप कह रहे साले पर आरोप लगा रहे हैं आप? मैं नाले में गिरने की भी सूचना दी थी आपने कि नाले में मतलब हमने सबके आधार पे कह रहा हूँ, संजय हो सकता है, वो बहुत बड़ा बदमाश बनता अपने आप को। वहीं सूचना मिलते ही भाजपा नेता कमल दत्त शर्मा भी मौके पर पहुंच गए। सर 3 साल की बच्ची को नाले में गिरने की सूचना है, ऐसा है ना? वो ललित जी की बिटिया है, उनका कहना ये है कि कोई उसको लेकर चला गया है, और एक एक पक्ष ये भी है कि कहीं वो नाले में तो नहीं गिर गई। तो पुलिस दोनों एंगल पे काम कर रही है, और जल्दी इसकी ये सब मामला क्लियर हो जाएगा। और मेरी भगवान से प्रार्थना है कि कन्या अपने माँ बाप के बीच में और बिल्कुल स्वस्थ मिल जाए। भैया आज से 1 महीने पहले भी एक लड़की लापता, उसका कोई सुराग नहीं, क्या कहना चाहिए? उसके बारे में मुझे कोई अभी जानकारी नहीं है। मैं तो इस घटना की बात कर रहा हूँ, ललित जी की जो बिटिया की है, कि ललित जी का कहना ये है कि हो सकता है कि कोई बच्ची को लेकर चला गया हो। तो पुलिस दोनों एंगल पे काम कर रही है, दोनों एंगल में काम कर रही है। ललित जी का ये भी कहना है कि उनका पति पत्नी में विवाद चल रहा है काफी समय से, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। आपको उन्होंने बताया नहीं? ना मुझे इसके बारे में, मैं तो अभी जा रहा था, तो जब मुझे पता चला तो मैं एक मानवता के तौर पर ललित जी के पास आया। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ।